नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं बड़ी बात। क्या किया जाए जब उपचार के नाम पर मौत मिले, उपचार के नाम पर लंबा चौड़ा बिल मिले लेकिन उपचार ही ना मिले। फरीदाबाद में निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत ने निजी अस्पतालों की मनमानी की एक और डरावनी तस्वीर पेश कर दी। जी हाँ, हरियाणा के फरीदाबाद में बुखार के उपचार के लिए गई गर्भवती महिला के परिजनों को अपनी बेटी का शव और 18 लाख का बिल थमा दिया गया। परिजनों की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप अब सरकार से सवाल करते हैं और मंत्री जी से जवाब मांगते हैं। उन सवालों के जवाब हम बड़ी बात मिलेंगे इस रिपोर्ट के बाद। अभी कहा 40 को भूले थे, 7 साल की आद्या की मौत को 16 लाख में बेचा गया। दिल्ली का नेक्स्ट भी तो याद होगा, जिंदा बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। अब फहरिस्त में एक और मृतका, एक और बड़ा बिल और एक और नामी 5 सितारा अस्पताल का नाम जुड़ गया। फोर्टिस भी जहां हरियाणा के गुरुग्राम से था, वहीं हरियाणा के ही फरीदाबाद से एशियन अस्पताल ने भी निजी अस्पतालों की मनमानी की बड़ी बानगी पेश की है। खबर है कि गर्भवती महिला को बुखार के उपचार के लिए एशियन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 22 दिन तक उपचार भी किया गया लेकिन उपचार से मिला क्या? 7 महीने के बच्चे की गर्भ में मौत, गर्भवती महिला की मौत और साथ ही 18 लाख का लंबा चौड़ा बिल। दरअसल फरीदाबाद के गांव नचौली के रहने वाले सीताराम ने बुखार होने पर अपनी बेटी श्वेता को 13 दिसंबर को एशियन अस्पताल में भर्ती कराया था। उस वक्त वो 7 महीने की गर्भवती थी। 3-4 दिन इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा महिला के पेट में ही मर गया, जिसकी वजह से ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टरों ने शुरू में इलाज करने के लिए परिवार से 3.5 लाख रुपए जमा कराने को कहा। मृतका के पिता सीताराम का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर से विनती की कि जब तक वो पैसों का इंतजाम करें उनकी बेटी का इलाज शुरू कर दें, लेकिन अस्पताल ने पैसे जमा होने तक उसका ऑपरेशन नहीं किया, जिसकी वजह से श्वेता के पेट में इन्फेक्शन हो गया और उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। साथ ही आरोप ये भी है कि जब श्वेता ICU में भर्ती थी उस वक्त उसके परिवार को मिलाने के बजाय लगातार पैसे मांगे जा रहे थे। बेटी को बेसुध देखकर पिता को शक हुआ तो उन्होंने पैसे जमा कराने से मना कर दिया, जिसके बाद कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने श्वेता को मृत घोषित कर दिया। यानी साफ आरोप ये है कि पैसे न मिलते देख मृत होने की जानकारी दी गई। ये आरोप वाकई डराने वाले हैं। उस तारीख तक हमारी बिटिया के 3 यूनिट ब्लड चढ़ाया, 18 यूनिट के पैसे लगा के हमारे पास भेज दिया। आपकी बेटियों को 18, हमने पूछा भी इतना क्यों लगा रखा, क्योंकि बाद में हिसाब कर लेंगे, बाद में पैसे काट देंगे। खाने का बिल में दे रखा है 48,000 रुपये आपकी बिटिया ने, जो हॉस्पिटल में जो हमने लिक्विड उसको दिया 48,000 रुपये का दे चुके हैं। 8.5 लाख रुपये का मेडिसिन लगा दिए बिटिया को। इस तरीका से बिल बढ़ाते रहे बढ़ाते, जब हमने 5 तारीख को पैसे जमा नहीं किए तुरंत इन्होंने घोषित कर दिया कि आपकी बिटिया डेड। अगर जो 5 तारीख को भी पैसे जमा करते तो हमें नहीं बताते कि आपकी। लेकिन ये तो एक पक्ष था, दूसरे पक्ष में अस्पताल प्रबंधन था। सफाई दी गई, आरोप सिरे से खारिज किए गए। अस्पताल के क्वालिटी एंड सेफ्टी के चेयरमैन डॉक्टर रमेश चांद्रा ने कहा कि मृतका के पिता की ओर से लगाए गए सभी आरोप गलत है। का बुखार है तो टाइफाइड के लिए उसको इलाज शुरू किया गया और अगले 48 घंटे में पेशेंट की हालत काफी सुधर गई। इस हद तक सुधर गई कि पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हो गया और पेशेंट को वहां से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ICU में जैसा कि आप लोग जानते हैं खर्चा रोज का बहुत हो जाता है। अब पेशेंट स्टेबल थी, उसको अगले दिन 2 दिन के बाद 13 तारीख को भर्ती हुई, 16 तारीख को पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया क्योंकि पेशेंट स्टेबल हालत थी। उसमें तो उसका खाना उसको देना ही नहीं था, सिर्फ जिस दिन वो शायद वार्ड में गई है उसको खाना दिया होगा, बाकी टाइम तो उसको IV फ्लूइड और वो सब चल रहे थे, IV ड्रिप चल रहा था, IV एंटीबायोटिक चल रही थी,
तो उसका खाने का बिल इतना नहीं होता। उन्होंने कहा कि मरीज को टाइफाइड था, गुर्दे भी ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसीलिए मरीज को तुरंत आईसीयू में दाखिल कराया गया। इलाज में लगभग 18 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसमें से परिजनों ने करीब 10 लाख रुपए जमा भी करा दिए हैं। बाकी के पैसे माफ करके परिजनों को शव भी दे दिया गया। पेशेंट को आप देखिए कि 17 तारीख को रात को इमरजेंसी में ऑपरेट किया गया, ताकि उसकी जहां से परफोरेशन हुई थी लीक हो रहा था फीकल मैटर, 18 को फीकल मैटर उनका जो लीक हो रहा था, लैटरीन पेट में सारी लीक हो रही थी, उस लीकेज को बंद करने के लिए उसको ऑपरेट किया गया ताकि पेशेंट, मगर धीरे धीरे पेशेंट की हालत नहीं सुधरी और धीरे धीरे इट इज सैड एंड कि पेशेंट को हम नहीं बचा। निजी अस्पतालों की मनमानी ही परेशानी नहीं है, सरकारी अस्पतालों के हालात भी परेशान करते हैं। ताजा मामला सोनीपत के गोहाना से है, जहां गर्भवती महिला अस्पताल के गेट के सामने करहाती रही और गेट पर ही महिला की डिलीवरी भी हो गई। तो ना सरकारी अस्पतालों में उपचार मिल रहा है, ना निजी अस्पतालों में जाने बच रही है। ताजा मामले में श्वेता बच ना सकी और मृतका के परिजनों की माने तो ये मौत नहीं हत्या है। अस्पताल का एजेंडा सिर्फ पैसे ऐंठने का रहा, अब जांच की मांग की जा रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। सरकार और सिस्टम आश्वासन भी दे देंगे, हो सकता है जांच भी करवा ली जाए, लेकिन निजी अस्पतालों की मनमानी गुंडागर्दी पर नकेल कौन कसेगा। मंत्री जी फोर्टिस मामले में कह भी चुके हैं कि ये मौत नहीं हत्या थी, लेकिन जब मंत्री जी को सरकार को हत्यारे अस्पतालों की जानकारी है तो कार्रवाई इतनी ढीली क्यों कि खौफ ना बन सके। और सवाल ये भी कि निजी अस्पतालों की मनमानी के साथ साथ सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर जवाब कौन देगा। 50 साल पूरे कर चुके हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी पर कब आएंगी। और सवाल तो ये भी है कि क्या सरकारी अस्पतालों की बदहाली ही निजी अस्पतालों की मनमानी का लाइसेंस है। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। हम सरकारी अस्पतालों की बदहाली और निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता ने जो मृतका रही उसके परिजनों से खास बातचीत की है, वो सुन लीजिए। लापरवाही से महिला की मौत हो गई थी। आज हम बात करते हैं उनके पिता सीताराम से, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। सीताराम जी, आपकी बेटी किस तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और क्या हुआ था, सारा वाक्य विस्तार से बताएं। मैंने अपनी बिटिया को 13 तारीख को एक बुखार टाइफाइड में अपनी बिटिया को एशियन हॉस्पिटल में एडमिट किया था, जो मेरी बिटिया 7 महीने की प्रेगनेंट हुई थी। तो मैंने जब एडमिट किया था, मेरी बिटिया बिल्कुल ऐसा नॉर्मल थी, खुद चल के गई थी, खुद वो खाना पीना कर रही थी। उन्होंने सीधा आईसीयू में मेरी बिटिया को ले गए। तीन दिनों मेरी बिटिया को आईसीयू में रखा, वॉमिक देख रहा था। हम डेली वॉमिक से पूछते थे, बिटिया से मिलते थे, बिटिया बिल्कुल नॉर्मल थी और क्या इन्फेक्शन पूरा काबू में है और आपकी बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन्फेक्शन मेरी बिटिया का 1.2 आ गया था। उन्होंने मेरी बिटिया को जनरल वार्ड में कर दिया। तीन दिन बाद मेरी बिटिया को जनरल वार्ड में कर दिया, ठीक थी। रात को मेरी बिटिया के दर्द हुआ, पेन हुआ कि बच्चे होने का दर्द हुआ, कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर से खूब कहा, लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। सुबह डॉक्टर आएंगे, जब वो देखेंगे जब बताएंगे। सुबह जब लेडीज डॉक्टर नहीं आई तो मैंने पूछा क्या है, उन्होंने चेकअप वेकअप किया, उन्होंने कहा ये डिलीवरी का दर्द है, हम देखते हैं। उन्होंने अपने उसमें ले गए उसको और मेरी बिटिया को दर्द रोकने का, प्रेगनेंसी के दर्द रोकने का इंजेक्शन उन्होंने दिया, लेकिन मेरी बिटिया के दर्द बिल्कुल बंद नहीं हुए। फिर उन्होंने मेरी बिटिया को दर्द होने का इंजेक्शन दिया, उस इंजेक्शन की वजह से मेरी बिटिया के जो पेट में 7 महीने का बच्चा था वो मर गया। मेरे खूब कहने के बाद इन्होंने डिलीवरी नहीं की, खूब कहने के बाद नहीं की। जब रात को मेरी बिटिया की हालत ख़राब होने लगी, इन्होंने 9 बजे आईसीयू में ले जाकर मेरी बिटिया की डिलीवरी करी, जो बच्चा मृत पाया गया। आपको कब पता चला कि आपके साथ ठगी हो रही है या फिर इतने दिन में आपका इतना बिल बनाया जा रहा है, आपको कैसे पता चला? हमें जब हमारी बिटिया के ऑपरेशन, उन्होंने मेरी बिटिया की आँख फाड़ दी इन्होंने डिलीवरी के टाइम पे, क्या किया क्या नहीं किया, बेहोश हो गई थी वो। हमें बताया नहीं रात को 9 बजे कि आपकी बिटिया की आँख भी फट गई है। हमें सुबह बताते हैं कि आपकी बिटिया की तो आँख फट गई है। हमने कहा ऐसे आँख क्यों फट जाती है नॉर्मल डिलीवरी में, तो कैसे हो जाता है, आज तक तो हमने सुना नहीं। उनका आँख फट गई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
ऑपरेशन के लिए हम तैयार हो गए, ऑपरेशन कीजिए। मेरे पास 2 लाख रुपए तो मैंने दे दिए। उन्होंने कहा 3 लाख रुपए ऑपरेशन के लगेंगे, जमा कराओ जल्दी। मैं कहा 1 लाख मैं शाम को दे दूंगा। ये माने ही नहीं बिल्कुल। अरे 10 लाख रुपए इनको दिया, जब मेरे पास पैसे नहीं रहे, 1.5 लाख हंसलोक से इनके अकाउंट में आ गया। इनके 6 और 6.5 लाख रुपये और बना रखे थे, 8.5 लाख का मेडिसिन लगा रखा था इन्होंने, 1.25 लाख रुपये के खून ब्लड के लगा रखे, जो 11 यूनिट ब्लड की बल्कि मैंने दिया। 3 यूनिट मैं खरीद के लाया हूँ, 5 यूनिट डी वो क्या नाम है प्लेटलेट मैंने इनको अपने दिए, इन्हें साफ करने के इतने लगा रखे। कितने पैसे लगाए थे मेडिसिन के? मेडिसिन के 8 लाख समथिंग लगाया हुआ इन्होंने, बिल में है। तो अभी जो लास्ट में अस्पताल प्रशासन बताता है कि उन्होंने कुछ पैसे आप पे माफ़ कर दिए, वो किस वजह से माफ़ किए गए? उनको बचाव में चाहिए ना, उनको कैसा बचाव? बचाव चाहिए कि ये हम पे कुछ कार्रवाई ना करें, हम पे कुछ कार्रवाई ना करें, माफ चाहिए और आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए इस हॉस्पिटल पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये थे पिता लड़की के, पिता सीताराम, जिनका कहना है कि प्रशासन की अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते ही मेरी बेटी और नमासी की मौत हुई है, जिसका प्रशासन और सरकार को संज्ञान लेकर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, जिससे कि किसी और के साथ में ऐसा ना हो सके। संजय गुप्ता के साथ कैमरामैन यशपाल। तो कब तक ये महंगी मौत मिलती रहेगी और कब तक निजी अस्पतालों की मनमानी चलती रहेगी, उपचार नहीं मिलेगा, लंबे चौड़े बिल थमाए जाएंगे, और कब सरकारी अस्पतालों का माहौल इस तरह का हो पाएगा कि वहां भी लोग उपचार के लिए जा पाएंगे, इन सवालों के जवाब लेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं स्टूडियो में। डॉक्टर सनवारिया साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं। कुसुम शेरवाल हमारे साथ इनेलो की ओर से हैं। केवल ढिंगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में हैं। नंदिता हुड्डा सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, और डॉक्टर श्याम सखा पास्ट प्रेसिडेंट आप हैं IMA हरियाणा। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से। सनवारिया साहब, क्या लगता है कब तक इस तरह की महंगी मौत मिलती रहेगी और कब तक बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा? ज्योति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मौत कहीं पे भी हो बड़ी दर्दनाक होती है। हाँ। और एक बार जो मौत अस्पताल में हुई है और जिस तरह का सिनेरियो आप सामने दे रहे हैं, काफी दुखदाई बात है। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं में जो कोताही होती है उसमें मेरी सरकार बहुत ही संवेदनशील है। हाँ। आपके पिछली डिबेट में भी ये बात हुई थी कि एक फोर्टिस हॉस्पिटल में भी ऐसा कोई केस हुआ था और उसके बाद इमीडिएटली हमारे माननीय बिल्कुल सवाल इसलिए भी उठते हैं कि फोर्टिस से भी इसी तरह का मामला सामने आया, उसके बावजूद जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी इतनी मनमानी करने की हिम्मत कैसे हो जाती है? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि संवेदनशील है तो। हाँ, इमीडिएटली हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, अनिल विज जी ने इंक्वायरी कराई और विद इन ए वीक टाइम हमने वहां पिन पॉइंट्स किया और जो जो गड़बड़ियां मिली, ब्लड बैंक को बंद किया, फार्मेसी को बंद किया। तो ये सब चीजें, मेरी सरकार बहुत संवेदनशील है और ये जो चीजें, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है जी। कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 18 लाख और 20 लाख वो आजकल के समय में आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय हेल्थ पॉलिसी को वर्कआउट किया है 2017 में फर्स्ट टाइम, और उसी तरह से राष्ट्रीय जो हमारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उस लाइन में चल रहे हैं। बिकॉज मुद्दे बहुत डिफरेंट तरह के हैं, बहुत मुश्किल। अब सरकारी अस्पतालों में मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपने अभी किया कि वहाँ हालात कुछ खराब हैं इसलिए लोग प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा सेंस, ऐसा एक मानसिक धारणा बन गई है। नहीं, मानसिक धारणा कहां बन गई है जनाब? सोनीपत के गोहाना का मामला हमने दिखाया जहां सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला की गेट के सामने डिलीवरी हो जाती है। हाँ। कोई संभालने को नहीं है और लापरवाही सीधे तौर पर सामने तो आती है। उसमें, हाँ, उसमें मेरी सरकार उस लापरवाही को किसी को भी कोताही नहीं करने देगी उसमें पूरी तरह से। अब हमारी सरकार ने पहली बार जितने भी हॉस्पिटल के चार्जेस हैं, ये तमाम चीजें आपकी सरकार के दौरान ही हुई है। केवल ढिंगरा जी, देखिए पहले मामला हुआ गुड़गांव का। हाँ। उसके बाद हुआ मामला सोनीपत का, उसके बाद मामला हुआ उकलाणा का, और ये अब चौथा मामला है इसी महीने के अंदर जी। आप ये देखिए कि अगर हम चार चार मामले हो जाते हैं और सनवारिया साहब कह रहे हैं कि हमने, हमारी सरकार जो है उसने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, अभी 18 लाख का तो हाल ही में बिल थमाया था उनको,
और 18 लाख का ही बिल फिर थमा दिया, तो आपकी सरकार ने क्या किया? यही तो समझने वाली बात है। बंद कर दी, बंद कर दिया। बंद क्या कर दिया? कुछ बंद नहीं हुआ, वो तो हॉस्पिटल एज इट इज चल रहा है। आपने उसका ब्लड बैंक अगर बंद कर दिया तो और नुकसान हो गया। वो तो हॉस्पिटल का ब्लड बैंक बंद करना नुकसान है। अगर पूरा हॉस्पिटल बंद करते हैं तो आदमी दूसरे हॉस्पिटल में चला जाएगा। उसका ब्लड बैंक अगर बंद कर दिया तो उसके अंदर जो पेशेंट है उनको ब्लड कहां से मिलेगा? आपकी ये बात ही गलत है। बैंक भी बंद कर देते हैं, लीज भी अगर रद्द कर दी जाती है, क्या मनमानी रुकी उससे? ये भी तो सवाल है। देखिए वही तो कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब चार बार ये इंसिडेंट हो गया तो आपकी सरकार ने क्या किया, कौन सा एक्शन लिया और दोबारा से फिर 18 लाख का बिल दे दिया एक गरीब आदमी को? तो ये जो है काम रुक नहीं रहा आपसे। और आपके जो हेल्थ मिनिस्टर है वो ट्वीट भी नहीं कर पा रहे अब, क्योंकि उनकी ट्वीट रुक गए हैं। अब उनके ट्वीट कहीं नहीं दिखते क्योंकि वो ट्वीट गायब गायब पिछली पार्टी जो बोले हैं। मंत्री जी की ओर से कहा गया कि मामले की जानकारी नहीं है, मामला संज्ञान में होगा तो एक्शन लेंगे। जी चार मामला में कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कुसुम जी, बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। सरकार और मंत्री जी इंतजार करते हैं कि घटनाएं हो जाए, संज्ञान में मामला आए, उसके बाद देखा जाए कि एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, सुधार हो जाएगा इस तरह से। ज्योति जी, आज हरियाणा प्रदेश का ये बद से बदतर आज हालात जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं की हो रही हैं। ये तो ऐसे मुद्दे हैं जो 18-18, 20-20 लाख तक के पहुंच जाते हैं तब वो मीडिया में आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे हालात हॉस्पिटलों के हैं, PHC वगैरह में आप जा करके देखिए, हॉस्पिटलों में ना तो बेड हैं और ना ही वहां पर किसी तरह के डॉक्टर उपलब्ध हैं। आज हरियाणा प्रदेश के हालात, जो महिलाएं सड़क पर डिलीवरियां कर रही हैं वो भी हरियाणा की स्थिति है, चाहे वो जींद का एरिया ले लो, चाहे उकलाने का एरिया ले लो, कहीं पे भी ऐसी आप स्थिति लीजिए, तो आप ऐसे हालात देखेंगे आज हरियाणा प्रदेश के कि जहां पर महिलाएं मौत मर रही हैं। हाँ। और ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं ये तो थैंक्स है आप लोगों का, मीडिया का, जो इन चीजों को दिखा रहे हो आप लोगों के माध्यम से ये चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन जो लोग बेमौत मर रही हैं, जो महिलाएं, कब तक मीडिया की कश्मीर से सरकार ही देखती रहेंगी? सरकार तो आज चुपचाप होकर के बैठ जाती है। 2-4 दिन मुद्दे उठते हैं, जुड़े मामलों में भी सरकार इंतजार करती रहेगी कि मीडिया प्रमुखता से मुद्दे को उठाए, उसके बाद सरकार एक्शन लेगी। देखिए, स्वस्थ सेवाएं हर व्यक्ति को मिले ये उसका अधिकार है और सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि हम प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ सेवाएं अच्छे से दे सके। पर ये अनफॉर्चुनेट है कि हरियाणा में जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो प्राइवेट हैं वो भी इन्होंने इसका इनकम जनरेशन का धंधा कर लिया है। ये मानवता की सेवा का काम था, इसमें जब हम लोगों को लूटना शुरू करते हैं तो अब जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो बहुत उम्मीद के साथ जाता है और ये सोच के जाता है कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो ठीक होऊंगा, और उसके लिए वो हर कीमत देने को तैयार भी रहता है। हाँ। उसके बाद भी डॉक्टर इस तरह की जो नेग्लिजेंसी बरतते हैं तो ये सबसे बड़ी क्रिमिनलिटी है। ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए और सरकार को भी जो अपनी सेवाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको दुरुस्त करना चाहिए ताकि नागरिकों को हम ये स्वस्थ सेवाएं अच्छे से दे पाए, जिसमें सरकार पूर्णतः फेल है। डॉक्टर श्याम सखा जी, आपका पहला कमेंट इस चर्चा में, कहां डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा और माना गया, कहां इंसानियत की उम्मीद करना भी मुश्किल हो गया आज के दौर में। देखिए, इसमें 4-5 मुद्दे आते हैं, लेकिन पहला मुद्दा उस मरीज का है। तो मरीज इतने बड़े अस्पताल में पहुंचा कैसे, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि टाइफाइड जैसे वो कहते हैं या डिलीवरी इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जो इतने बड़े 5-स्टार होटल में जाना चाहिए। इसका मतलब उसका जो प्राथमिक उपचार है वो ठीक से नहीं हुआ। जी, प्राथमिक उपचार कहाँ से हुआ, क्वैक से हुआ, किससे हुआ? बिल्कुल, हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा क्या सरकारी अस्पतालों की बदहाली, प्राइवेट अस्पताल जो है उनकी मनमानी का लाइसेंस है कि प्राइवेट अस्पताल मनमानी करेंगे क्योंकि सरकारी अस्पतालों में आप सुविधा नहीं दे पाते। तो दूसरी बात क्या है मैडम कि उसके बाद जो वहाँ हुआ है जी, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके लिए सबसे पहले तो पोस्टमार्टम हो और उसका मेडिकल पूरा का पूरा एक वो बैठे काउंसिल वो करे। तीसरी बात आती है बिल की। हाँ। बिल का जो सबसे बड़ा खेल है, जो पिछली सरकार भी और ये सरकार भी कर रही है, आप ये बताइए कि इन अस्पतालों में 95% तो जाते हैं पैनल पर जो सरकारी लोग हैं इलाज कराने, 5% वो जाते हैं जो इंश्योर्ड हैं, 1% ही आदमी अपनी जेब से खर्च के जाता है। तो आज अगर ये पैनल से बंद कर दें सरकार, इनको देना भी सरकारी में इलाज होगा, तो उसी खर्चे से सरकारी अस्पताल बेटर हो सकते हैं। हाँ। लेकिन उसको करेंगे नहीं,
वहां जाके पहले वो ये पूछते हैं वहां के हॉस्पिटल वाले कि आप इंश्योर्ड हैं या पैनल पर हैं, उस हिसाब से बिल बनता है। और उस क्योंकि उनकी बिल बनाने की आदत बन गई तो उसमें जो 1% है वो भी उसी चक्कर में आ जाता है, चक्रव्यूह में। तो सबसे पहला काम सरकार को ये करना चाहिए, मैं कहूंगा डॉक्टर साहब भी, कि भाई वो पैनल जो है उसको बिल्कुल खत्म करे। जब नौकरी सरकारी चाहिए तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं, मुझे ये बताइए। जनता जो टैक्स देती है, हरियाणा 50 साल पूरे कर चुका है, स्वर्णिम जयंती आप लोगों ने मनाई, अच्छी बात है, लेकिन क्या स्वास्थ्य के हालात सुधर सकेंगे, जो कि आधारभूत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल नहीं नहीं, अभी अभी नंदिता जी ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही और उस पर एक्शन होना चाहिए, ये तो भगवान का रूप था और अब शैतान हो चुके हैं पूरे। मैं इनका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर पूरा कानून है और उसका एक तरीका है। अभी मेरे साथी डॉक्टर साहब ने, मुदगिल साहब ने बताया कि उस पेशेंट का पोस्टमार्टम करके उसका पूरा मतलब उसकी तह तक जाना चाहिए और उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेके एक्शन जरूर जरूर होता है। अब बात रही कि ये जो लूट खसोट मची हुई है उसके लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मेरी सरकार बहुत जल्दी लेके आने वाली है, उसमें वेरियस पैरामीटर्स में वो फीस वगैरह जो जो अभी कह रहे हैं कि 18 लाख की दवाई लगी और इतने लाख का ब्लड लगा, तो उसका एक पैरामीटर्स बना करके लगा है। अब रहा बात पैनल्स की, कि वो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पैनल्स बन गए हैं, अगर वो किसी कॉरपोरेशन से आ रहा है तो वो बिल ज़्यादा बना देते हैं, अगर अपना ये तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले तो हमें अपने सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी और सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ में जो अपना एक माइंड सेट बढ़ाएंगे, हाँ, बढ़ाएंगे। तीन साल पूरे कर चुके हैं, चुनावी साल है, सरकारी अस्पतालों के हालात नहीं सुधरे, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी किसी भी हद तक नहीं रुकी। ज्योति जी, हेल्थ एंड एजुकेशन इतना वाइटल सब्जेक्ट है और देश के लिए बहुत, वो तीन साल में पूरा नहीं होता है, उसमें एक बिगनिंग जो हालात हमें मिले, जो हालात हमें मिले, हमारे टाइम पे डॉक्टरों की भर्ती हुई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि इन्होंने कितने डॉक्टर जो है 3.5 साल के अंदर भर्ती करे इस काम में। दूसरी बात, क्लिनिकल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की, तो इन्होंने उसके बीच में क्या काम किया आज वो, और वो उसकी डेट लास्ट बताएं कि कौन सी डेट को आ जाएगा। दिल्ली में तो आ चुका, बाकी स्टेटों में आ चुका, इनकी हरियाणा में 3.5 साल से सरकार है, उसमें इन्होंने कितनी चिट्ठियां लिखी उसके मामले में, और कब आएगा वो, कितने टाइम के अंदर वो एक्ट लागू कर देंगे। ये झूठ बोलने के लिए बात करते हैं, आज पत्राचार भी नहीं किया कोई भी। और आपको यह भी बता दूं मैं कि ये डॉक्टर साहब तो खुद डॉक्टर हैं, ये अपनी बात तो जरूर कह देंगे कि हम लाएंगे, हम ये एक्ट लागू कर देंगे। महीना पहले, 2 महीने पहले जब हम मैक्स के ऊपर बात कर रहे थे तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि क्लिनिकल स्टेबलिशमेंट एक्ट लागू कर देंगे। अरे कब करोगे लागू, जब जब इतनी मौत हो जाएंगी, 3.5 साल आपकी सरकार को हो गए, आप ये डेट फिक्स करें आज के ऊपर कब कर देंगे। छोटा सा जवाब, फिर ब्रेक पे जाएंगे। जी, मैं तो थोड़ा सा आंकड़े भी बताना चाहती थी और वीर साहब से पूछना भी चाहती थी, क्योंकि आए दिन वीर साहब बहुत चर्चा में भी रहते हैं, लेकिन आज भी 72 पीएससी ऐसी हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है, और अभी भी मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर अभी भी प्रोफेसर्स की कमी है, और ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहां पर की स्टाफ नर्सेज की कमी है। और आज हरियाणा में 60 ऐसे पीएससी हैं जहां पे हर चीज की लैब टेक्नीशियन हो गई, किसी भी तरह की कमी बरकरार है। सरकार ने कितना काम कर लिया स्वास्थ्य को लेकर, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम लेंगे कि सरकारी जो है अस्पताल उनके हालात कब सुधरेंगे, और जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी मनमानी कब रुकेगी, और साथ ही क्या कुछ अस्पताल प्रबंधन की ओर से कहा गया है वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे, और मंत्री जी ने क्या कहा इस मसले को लेकर वो भी सुनवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।